मैडम एक बात बोले, हम लोग को ना बिलौटा को साथ मिलाना चाहिए, तो गोबर टेस्ट करके भैंस पहचान लेता है। सही में सही में। इसकी मैया की सासू मैया, अभी कहां से ढूंढे नेताजी की भैंस को, बवंडर हो जाएगा नहीं मिलेगा, तो अभी क्या इतने सारे भैंसों में से पिंकी को निकाले हम खोज के, यही काम रह गया हमारा। क्या लगता है तुमको कितना प्रतिशत चांस है भैंस का मिलने का? अरे मैडम, भैंस के मिलने का तो पूरा पैनिक भी चांस नहीं है। तुम कभी शुभ बोलोगे? चीते फोटो दिखाओ। संतु जी का आज ही लिए थे मैडम, हमारा दूर मर जाओगे, डूब जाओगे। संतु जी करते करते भैंस है क्या तुम्हारी? संतु जी खरगोश है, खरगोश है। भैंस का फोटो दिखाओ। है भैंस का, ये देखिए मैडम, ये देखिए। पहचानिए पहचानिए मैडम, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए मैडम, हम हैं यहीं पे हैं, डरिएगा मत मैडम। नखरा तो देखो एकदम पुष्पा जी जैसा कर रही है, टिकी नहीं रही है एक जगह पे, कितना सर हिला रही है देखो। क्या लगता है क्या क्या कह रही है ये? चुड़ैल, डायन, नरपिशाचिनी, डंकिनी, राक्षसनी। मैडम अब जब आप इन लोगों को पुष्पा जी बुला दी है, तो पुष्पा जी तो आपको यही बोलती है ना, हमको लगता है इसे भी आपको यही सब कह रही है। हाँ ठीक है। पुलिस! भाई तो हिम्मत कैसे हुई भागने की? हाँ क्या मैडम जी, मैडम जी, मैडम भाग रहे थे? हाँ मैडम जी, मत मारो, नहीं मत मारो, नहीं मारे, काहे नहीं मारे, पुलिस को देख के तुम भागे हो, इसका मतलब कुछ छुपा रहे हो। अब फटाक से बता दो कि भैंस का है, जल्दी बताओ। अरे मैडम कैसी बात करते हो, देखिए ना कितनी भैंसन ही भैंसन खड़ी है। ज्यादा चाणक्यगिरी करने की जरूरत नहीं है हमारे साथ, तुम्हें भी पता हम कौन सी भैंस की बात कर रहे हैं, हम पिंकी की बात कर रहे हैं। काहे वो भैंस बताओ ना, मारेंगे। अरे कौन सी पिंकी भैंस मैडम जी? मैडम मैडम तुम चुराया किधर है बताओ, वरना ऐसा मारेंगे ऐसा कूटेंगे ना कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सोना देखा, समझे? हाँ मैडम जी, खाने से भैंस हम ही चुराई रहे बस, पर ये काम अपनी मर्जी से ना किए, ये काम करने को एक बुरका वाली औरत बोली हमको कि थाने के बाहर एक भैंस बंधी है, तुम वो भैंस हमका ला कर दे दो और हम बदले में तुमका 1,00,000 रुपया देंगे। 1,00,000? हाँ, हमका पैसा की बहुत जरूरत थी मैडम जी, अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए। मतलब ये बुरखे वाली औरत, तो फिर तो तुमने चेहरा तो देखा ही नहीं होगा कि वो कौन सी औरत है। अरे मैडम जी चेहरा तो क्या, हम तो उसकी आवाज भी नहीं सुने, वो सब कुछ एक पर्चे पर लिख कर लाई थी कि हमको क्या करना है, सब पढ़ कर बताई, ये लाई ऊपर से मैडम जी। थाने के बाहर भैंस बंधी है, लाकर पैसे। क्या? थाने के बाहर भैंस बंधी है, लाकर 2 पैसे मिलेंगे। वाह, पैसा आपका जिंदगी बर्बाद कर दिया चाचा। हमें माफ कर दो मैडम जी। लेके जाओ इसे। हाँ, पैसा तो खा लिए ना, अब हम कुछ ऐसा खिलाएंगे जिससे अच्छा से पेट भरेगा। चलो आ, हट, हट। मका बवंडर है ये, कहाँ से ढूंढे नेताजी के भैंस को, कौन है ये भैंस चोर, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मैडम जब से सुबह सुबह रौनक लाल की शक्ल देखने का धंधा शुरू किया, खुदा कसम कह रहे धंधा मंदा हो गया, ना ग्राहक है ना कमाई है, ना खाने में मक्खियां है ना दूध पे मलाई है। ऐसा लग रहा है हमारे बिजनेस को जो है नजर लग गई मैडम, नजर। अब हम पढ़े जी। दाल जल गई, प्रेस से कपड़े जल गए, अचार सड़ गया, जबलपुर वाली मौसी छत से गिरकर उनका पैर टूट गया, कानपुर वाली मौसा जी बाथरूम में गिरकर अपना जबड़ा तुड़वा बैठे, और सबसे बड़ा नुकसान मलाई का से झगड़ा हो गया मैडम सर, वो काम छोड़कर चली गई है, सारा घर का काम हम अकेले करते रहे, आपको तो पता है ना करिश्मा जी कैसी है, चम्मच यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं रखती। हाँ हाँ हम जानते हैं इकबाल। हाँ फाइनली हमारा रिश्ता टूट गया, लड़की ने शादी करने से मना कर दिया ये बोलकर कि ऐसे मोर पंख से कौन शादी करेगा, इससे अच्छा हम तोता पाल लें, ऐसी प्रचंड बेइज्जती की है रौनक लाल की वजह से। बिल्लू। मैडम सर मेरी नोटबुक खत्म हो गई, मुझे दूसरी चाहिए। रहने दो माँ, मैं मांग कर भरूंगा। हाँ हाँ तो आप सबका कहना है कि रौनक लाल जी का चेहरा देखकर आप सबके साथ ये हादसे हुए हैं, करेक्ट? जी। लेकिन हमने भी तो रौनक लाल जी का चेहरा देखा है, रोज देखा है, लगातार देखा है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनके अनलकी होने का असर हम पर तो नहीं हुआ। अरे
ये अनलक्की पे क्यों गया? हम बिजली विभाग से हैं मैडम, आपके थाने का पिछले 4 महीनों से लाइट बिल पेंडिंग में है, आप बिल भर दीजिए लाइट आ जाएगी। ये रहा नोटिस। देखा मैडम सर, जय हिंद सर। जय हिंद, हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि नेताजी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वहाँ पे सब कुछ कुशल मंगल है ना? जी सर। अब जहाँ आप जैसी SHO हो वहाँ कैसे गड़बड़ी हो सकती है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप नेताजी का स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए रखते हैं। जी सर, जय हिंद। वो भैंस की वजह से हमारा जी घबरा रहा है। अरे एक काम सौंपा था करिश्मा जी को, हाँ, कि भैंस की निगरानी करे, मगर वो एक काम नहीं हो। घर में भी सारा काम हम ही करते, क्या बताएं। अब तो लगता है ना थाने के साथ साथ हमारे लल्ला के भी भाग फूट गए। नेताजी आने से पहले भैंस नहीं मिली ना तो हमारे थाने को कच्चा चबा जाएंगे वो। अरे आ गए, देखा। हमने कहा था ना करिश्मा जी हमारे थाने को कुछ नहीं होने देंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो भैंस मिल गई। अब हमारी नौकरियां बच जाएंगी, कुछ नहीं होगा हमारे थाने को और हमारी नौकरी को। भैंस को वहां बांध दो, चलो। लाइट को कहां हो गया सब भार, कहां कर रहे हैं? लाइट कहां गई? कट गई। ऐसे कैसे कट गया? रौनक की बदकिस्मती की छाया जो पड़ गई हमारे थाने पे, तो विपता तो आनी ही थी। 4 महीने से लाइट बिल नहीं भरा है, उस नाले को आज ही आके लाइट काटनी थी। बताइए, 4 महीने से लाइट का बिल नहीं भरा तो लाइट वाला क्या करेगा? पूजा करेगा क्या? उसके आके काटेगा ही ना। अब आप उसका तार जोड़ रही हैं उसके दुर्भाग्य से, कितनी गलत बात है ये। मगर बिल भरेंगे कहाँ से मैडम? 4 महीने से अपना फंड भी तो नहीं आया है। तो उसका भी सब कुछ आप इसी पे डाल दोगी कि अनलकी है की वजह से ना फंड आ रहा है, कोई छींक भी मार रहा है तो वो भी उसी पे डाल देना। करिश्मा सिंह चोर कहाँ है? चोर अभी हाथ नहीं आया मैडम सर, लेकिन बहुत जल्द हमारे हाथ में आ जाएगा, हमारा तफ्तीश चालू है। नहीं नहीं, एक मिनट, अगर चोर नहीं मिला तो फिर ये भैंस कहाँ से आई? मैडम सर बात ये है कि ये वो भैंस नहीं है नेताजी वाला। हाँ मैडम सर, ये पिंकिया नहीं है, उसके जैसी दिखने वाली रिंकिया है। क्या? देखा, हमने कहा था ना हमारी लाडले बहुरानी एक काम ढंग से नहीं कर पाती, हमारे तो भाग ही फूट गया। प्लीज करिश्मा सिंह, ये क्या? नहीं मैडम सर, इसमें परेशानी वाला कौन सा बात है, सारी भैंस एक जैसे ही ना दिखती हैं। अब नेताजी आएंगे, भैंस को देखेंगे, उनको लगेगा उनका भैंस है, वो खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्या है हमको टाइम मिल जाएगा ना असली भैंस ढूंढने का। बस इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि उनको भनक ना पड़े कि उनका भैंस पिंकी नहीं रिंकिया है। करिश्मा सिंह, आपने क्या किया? जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खास तौर से हसीना जी आपसे। DSP साहब आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, आप और आपकी टीम काफी काबिल और होनहार है, इसलिए हमने अपनी भैंस की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। शुक्रिया सर। ओ प्यारी पिंकी। नेताजी, हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं आपके, बहुत बड़े फैन हैं आपके सर। अब भैंस तो यहीं पर है, आपकी पिंकियां तो यहीं पर खा रही है, आप आइए ना अंदर, आप भी नाश्ता वास्ता कर लीजिए, खा पी लीजिए कुछ। अरे नाश्ता वास्ता तो होता रहेगा भाई, पहले पिंकी से मिल रहे हैं। सर, बहुत प्यार से, बहुत जतन से संभाला हमने आपकी पिंकी को। वो तो है ना, मगर हमने सर, DSP सर आप भी सुनिए, हमने अपने हाथों से पालक के पकौड़े बनाए हैं, वो थोड़ा टेस्ट तो करके देखिए ना, आप बताइए हमारे हाथों का। क्या बात है पुष्पा जी, तब तो हरी चटनी भी होगी पकौड़े के साथ, बहुत आनंद आएगा। खा लेते हैं नेताजी। अरे भाई हम यहाँ पकौड़े खाने नहीं आए, हम अपनी भैंसिया का दूध निकालने आए हैं। कल जनता के सामने हमें अपनी भैंस का दूध निकालना है, अगर दूध देने से इनकार कर दिया तो हमारी छवि ही खराब हो जाएगी। चलो हटो, हम दूध निकालते हैं। सुनिए ये भैंस दूध तो देती है ना, हमको का पता, हम थोड़ा उसका दूध निकाल के लाए हैं। भाई अंडा थोड़ी देगा पुष्पा, भैंस तो दूध देगा ही ना। अगर दूध नहीं दिया तो? तो एक काम करना, वो रौनक लाल नहीं है, उसकी बदकिस्मती पे डाल देना है, ठीक है? तो बाल्टी बाल्टी है क्या? हाँ अभी लाया। हम आ गए हैं ना, ये लीजिए।
अब निकालिए तू। क्या है ये? ये हमारी पिंकी नहीं है, नहीं है हमारी पिंकी है। कर गई रौनक लाल की पनौती का, अब तो हमें और थाने को भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। हसीना मलिक जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आदरणीय नेता जी क्या कह रहे हैं कि ये इनकी पिंकी है ही नहीं? जी सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इनकी भैंस नहीं है। क्या, तो इनकी पिंकी गई कहाँ? चोरी हो गई थाने से। चोरी हो गई? अरे थाने के परिसर से पिंकी, इनकी भैंस चोरी हो जाती है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता? ये तो होना ही था ना सर, बदकिस्मती ने चारों तरफ से घेर के रखा है थाने को। क्या मतलब, हम कुछ समझे नहीं? हम समझाते हैं। वो क्या है ना सर, हमारे थाने में एक अजीब सा केस आया है रौनक लाल का। बहुत ही बदकिस्मत इंसान है वो, जो भी उसका चेहरा देखता है ना उसके तो भाग्य फूट जाते हैं। अब क्या बताए आपको, उसके सोसाइटी वालों ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट की है। हाँ, कि उसकी बदकिस्मती की वजह से सोसाइटी की किस्मत खराब हो रही है और हमारी बदकिस्मती की वजह से हमने उसका चेहरा देखा और आपकी देखो भैंस चोरी हो गई। अब क्या बताए आपको। ये क्या बकवास है? बकवास ही है सर, इस तरह के अंधविश्वास में यकीन करना बकवास ही है। इसलिए हम रौनक लाल जी को यहाँ थाने लेकर आए थे। कल हमारे समारोह का क्या होगा बताइए? किसी दूसरी भैंस का कल दूध निकालेंगे और उसने दूध नहीं दिया, हमारे चुनाव प्रचार का कचरा हो जाएगा। कैसे हम समझाएंगे किसान भाइयों को? आप लोगों की लापरवाही से हमारा भैंस चोरी हुआ है। आप लोग जिम्मेदार होंगे अगर हम इतना बड़ा चुनाव हार गए। आपका यह मिस्टेक कतई क्षमा योग्य नहीं है, इसकी सजा आप सबको मिलेगी। सुन रही है ना हसीना मलिक जी? जी मंत्री जी, जिसने गलती की उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। छोड़िएगा मत आप। हम छोड़ नहीं रहे हैं, और ये थाना आपके अधिकार क्षेत्र में आता है ना, तो इस थाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। और अब हमारी भैंस के खोने का और हमारे चुनाव प्रचार को मरिया मेट करने की जिम्मेदारी सब आपकी है। हम आपके ऊपर विभागीय कार्यवाही का आदेश पारित करते हैं। बोल रहे सर, मतलब ये मेरी गलती नहीं है सर। जाहिर सर, बात तो सुनिए सर। सर आनंद आ गया आप लोगों को, पेट भर गया आप लोगों का। अरे गलती करो आप लोग, उसकी सजा मुझे मिले हैं? आप सब लोगों को एक साथ लाइन हाजिर करता हूं और कल से हेडक्वार्टर आके रिपोर्ट करना। डिसमिस। जैन सर। जैन। नमाओ। किसी को लाइन हाजिर होते पहले नहीं देखा है क्या किसी पुलिस को, जो दतिया रहे हो हमारे सामने? करिश्मा सिंह, रावण के खानदान के हैं का चाचा? आप क्या कर रहे हैं ये? हाँ, अरे ये हेड ऑफिस है, अपना थाना थोड़ी ना है। हेड ऑफिस में है, हमको भी पता है, लेकिन किसी हास्य कलाकार से कम नहीं लग रहा है जो हमारे सामने से निकल रहा है, हम पे हंस के जा रहा है। यही रोना है चीते हमारा, यही रोना है। जरा सा भी संयम नहीं है इनके पास, कुछ भी हो जाता है ना तो फट से अपना संयम खो देती है। अरे हमारे लल्ला की शादी में ना हमने समझाया था कि बेटा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, फेरे नहीं हुए हैं, निकल ले। मगर नहीं माना, उल्टा हमसे कह रहा था कि अम्मा आप निकल लो, हम आते हैं। आया वापस हो, मगर हमारा वो वाला लल्ला वापस नहीं आया। का बात कर रही है पुष्पा जी, किसका लल्ला हथिया के घूम रही है फिरा? अरे मतलब जोरू का गुलाम बन के आया ना। जोरू का गुलाम? हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों बातों का मेल कैसे हो, जोड़ा कैसे आपने दोनों, लल्ला कहाँ से आ गया बताओ हमको। बस कीजिए आप लोग, थोड़ा सा तो लिहाज रखिए पुष्पा जी, आप तो कम से कम मैच्योरिटी दिखाइए। पुष्पा जी और मैच्योरिटी, अब तुम भी शुरू हो जाओ। आप लोगों को समझ में आ रहा है हम कहाँ हैं? हम हेड ऑफिस में खड़े हैं, हमारी लाइन हाजिर हुई है, हम सस्पेंड हो सकते हैं और आप लोग। मैडम सर, इन्हें समझा नहीं, सुनना हमें कुछ, इनके पास संयम नाम की चीज नहीं है। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। तो और किसकी वजह से हुआ ये सब करिश्मा सिंह?
आप ही ने कहा था ना कि ये बहुत छोटा सा मामला है। देखिए ये छोटा सा मामला कहाँ ले आया हमें, किस सिचुएशन में फंस गए हम। अब भी आपको लगता है छोटा सा मामला है? मैडम सर, ये सब कुछ ना उस रौनक लाल की वजह से हुआ है। ना वो हमारे थाने में आता, ना हम सुबह सुबह उसका चेहरा देखते, ना ही हमारी भैंस चोरी होती और ना ही हम यहाँ लाइन हाजिर किए हुए खड़े रहते। अब तो आप मानिए रौनक लाल है ही अनलकी, जहाँ जाता है अपनी मनहूसियत फैला ही देता है। मैडम सर, मुझे पुलिस स्टेशन से पता चला कि आप लोग यहाँ हेड ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जी कहिए। मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग, मेरी वजह से आप लोगों को आज ये दिन देखना पड़ा। ना आप लोग मेरा अनलकी चेहरा देखते और ना ये दिन आती ही। लेकिन अब मैं बिल्कुल अनलकी नहीं रहा। एक बहुत बड़े सिद्ध पंडित जी ने एक बहुत बड़ी पूजा करके मेरी राशि पे जो बुरे ग्रह थे सबको नाश कर दिया। और पंडित जी तो ये कहते हैं कि मैं अब लोगों के लिए लकी साबित होऊंगा। जो भी मेरा चेहरा देखेगा उसे कोई ना कोई शुभ समाचार या फिर शुभ फल प्राप्ति होगी। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो आप इनसे पूछिए, ये लोग सुबह सुबह मेरा चेहरा देखा है आज, ये लोग बताएंगे आपको कि कैसा दिन रहा इनका। बताइए ना, बताइए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये लोग बताएंगे आपको कि कैसा दिन रहा इनका, बताइए ना। हाँ, बताइए। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये प्रसाद लीजिए ना, लीजिए लीजिए जी। शुभ शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। हाँ लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए जी। जी नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। हम जाएं जी? आप लोग जा सकते हैं। मैडम सर, ये तो पूरा खेल उल्टा हो गया। रौनक तो कह रहा है किसी पंडित से पूजा उजा करवा कर मतलब अनलकी से एकदम लकी बन गया है। हम सब जानते हैं। जय जय जय। अरे भाई, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, नेताजी ने आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा और इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कैंसिल कर दिया। क्या? हा? अब थाने जाइए और सुचारू रूप से अपना कार्य पूर्ण कीजिए। और हाँ, नेताजी ने यह भी कहा कि उनकी पिंकी को आप लोग ही ढूंढ सकते हो। अब उन्होंने ऐसा कहा है तो ये सिद्ध करके दिखाइए और उनकी पिंकी भैंस को ढूंढ के दिखाइए। जी सर, बिल्कुल। अच्छा तो हम चलते हैं। थैंक यू सर। मैडम सर, तू गजब हो गया। तू जो रौनक जो बोल कर गया वो तो एकदम सत्य निकल गया। मतलब हवन पूजा करवाया, उसके ऊपर जो अनलकी का ग्रह था खत्म हो गया। मैडम सर, अब तो हम भी मानते हैं रौनक लाल के नसीब की रौनक वापस आ गई। आपके मानने से क्या होता है? जिनको मानना चाहिए वो नहीं मानेंगे तो क्या फायदा इन सब बातों का? उसके रौनक लाल के सोसाइटी वाले तो नहीं मानते हैं ना ये बात। करिश्मा सिंह, तजुर्बा कहता है हमारा कि बदनसीबी और खुशनसीबी दोनों प्यार, नफरत और खुशबू की तरह होते हैं। कभी छुपाए छुप नहीं सकते। कभी ना कभी इनकी मकबूलियत लोगों के सामने आ ही जाती है। ठीक उसी तरह इनकी जो बदली हुई किस्मत है, इसकी मकबूलियत भी इनके सोसाइटी के लोगों के सामने आ जाएगी। आप फिलहाल नेताजी की पिंकी को ढूंढने पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। जी मैडम सर। ठीक है, चलें अब। चल अब तुम गोलगप्पे खाएंगे। चल नमस्ते मैडम। नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ? मैडम देखिए, अगर आप रौनक लाल के बारे में बात करने आई हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं, हम में से कोई भी अपना कंप्लेन वापस नहीं लेगा। अरे बोलिए ना बंसीलाल जी। एक मिनट शांत 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 हो जाइए। देखिए हम खुद रौनक लाल जी से मिलने उनका चेहरा देखने ही आए। अब इतनी सुबह सुबह रौनक लाल का चेहरा देखने आई, ये क्या हो गया आपको? अरे नहीं भाई, खुशखबरी का बात है, खुशी का बात है। रौनक लाल जी किसी बहुत ही बड़े पंडित के पास जाकर एक बहुत ही बड़ा पूजा करवाए हैं, तो उनके ऊपर ही जो दोष था, उनका बैड लक हो जाता है, आप उनका शक्ल देखते तो पूरा दिन खराब चल जाता है, अब वो दोष वरदान में बदल गया है। अब जो भी कोई उनका शक्ल देखेगा ना, उसका एकदम गुड लक शुरू हो जाएगा, किस्मत उसका एकदम कल्याण हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसीलिए हम लोग देखने आए हैं उनका शक्ल। गेंडा स्वामी, बता दीजिएगा कहाँ है रौनक लाल जी, वरना ऐसी जगह मारेंगे, जगह भी रौनक लाल की होगी और हाथ भी रौनक लाल का होगा और गाल तुम्हारा होगा। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे रौनक लाल का चेहरा। ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी होता है। अरे क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। उन्होंने पूजा करवाई और उनकी किस्मत बदल गई। अब वो इतने खुश किस्मत है कि जो उनका चेहरा देखेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। तो हम तो आ गए अपनी किस्मत बनाने, हम उनका चेहरा एक बार देख लेते हैं। इनफैक्ट हम आप सबको भी एक ऑफर देना चाहते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह सुबह उठकर रौनक लाल जी का चेहरा देखना है
और उनका चेहरा देखने के बाद पूरे दिन में आपके साथ जो भी अच्छी घटनाएं होती हैं उसकी लिस्ट बनाकर हमें देना है। हम क्या करेंगे, हम एक अच्छी खबर के बदले आपको इनाम में देंगे 1,000 रुपए। एक अच्छी खबर 1,000, 10 अच्छी खबर 10,000 रुपए। अब अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो बहुत जल्द गुनहगार हमारे सामने होगा।